चलिए पढ़ते हैं रूल ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जिससे आपको थोड़े रूल्स पता चल जाए एक्सपोनेंट्स के और आप इजीली एक्सरसाइज 1.6 कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का रूल, देन डिविजन का रूल, देन पावर ऑफ द पावर रूल, देन पढ़ेंगे पावर ऑफ द प्रोडक्ट रूल, देन हम पढ़ेंगे पावर ऑफ द फ्रैक्शन रूल, देन हम पढ़ेंगे जीरो एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट एंड फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिवीजन रूल शो किया हुआ है दैट ए की पावर एक्स है डिवाइड बाय ए की पावर वाई। अगर डिवीजन रूल होगा तो आपकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम इस वीडियो में, इस सेशन में सारा रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट कवर करेंगे। सो अब हम एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के और हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि हमें थोड़ा पता चल जाए कि हाँ एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स क्या होते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.6 कर सके। तो चलिए पहले रूल की तरफ पढ़ते हैं विच इज़ मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है कि अगर a की पावर x है और a की पावर y है तो ये होगा a की पावर x प्लस y। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। उस जिस रूल में वो कह रहा है कि अगर a की पावर x है, a की पावर y है तो a की पावर x प्लस y होगी, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर a की पावर x है, a की पावर y है तो a की पावर x प्लस y होगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर 2 की पावर है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर है 2, बेस सेम है, a ही है, 2 ही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा 2 की पावर इज 3 प्लस 2 विच इज़ 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ लीजिए अगर ऐसे ही आपको दिया होता है 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3, तो क्या अभी भी ये रूल अप्लाई होगा? 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 क्या अभी भी ये रूल अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका बेस ही सेम नहीं है। a होना चाहिए, a b नहीं होना चाहिए, a होना चाहिए, आपका बेस सेम नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब करते हैं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल कहता है a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर y इज a की पावर x माइनस y। क्या कहता है डिवीजन रूल? अगर a की पावर x है अपॉन में a की पावर y है तो ये होगा a की पावर x माइनस y। मीन्स समझ लीजिए 2 की पावर है 6 अपॉन में 2 की पावर है 3, बेस सेम है ना, 2 है, तो ये क्या होगा 2 की पावर 6 माइनस 3। क्यों हो रहा है? क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं इसलिए माइनस किए, मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, डिवाइड करेंगे तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये क्या होगा 2 की पावर 3 विच विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए अगर यहाँ पे होता है 4 की पावर 7 और 3 की पावर 2, क्या स्टिल ये रूल अप्लाई होगा डिवीजन का? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका बेस तो सेम है ही नहीं, ऊपर 4 है नीचे 3 है, सेम बेस होना चाहिए, 2 होना चाहिए, a अगर ऊपर भी 4 होता नीचे भी 4 होता तब हम ये रूल अप्लाई करते, बट ऐसा तो है नहीं, तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ द प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ द प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं कि a की पावर x है अगर और उसकी होल पावर इज y तो ये होगा a की पावर एक्स वाई। कि अगर आपकी a की पावर x है, ठीक है, और उसकी होल पावर है y, तो वो होगी a की पावर एक्स वाई। ठीक है, समझ लीजिए अगर 4 की पावर मुझे यहाँ दी हुई है 2 और उसकी होल पावर दी हुई है 3, तो ये हो जाएगी 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 विच विल बी 4 की पावर 6। समझ लीजिए अगर मुझे 2 की पावर दी हुई है 3 और उसकी होल पावर दी हुई है 4, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 विच विल बी 2 की पावर इज 12। सो ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पावर ऑफ द पावर रूल। सो पावर ऑफ द प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर आपकी ए बी की पावर एक्स होगी तो ए की पावर एक्स और बी की पावर भी एक्स होगी। मतलब ए की पावर, ए बी की पावर आपकी एक्स होगी तो आपकी ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स होगी। ठीक है, समझ लीजिए मैंने 6 की पावर ले ली 2, ठीक है, 6 के फैक्टर क्या है 3 और 2, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मल्टीप्लाई कर दिया 9 4 36। और अगर आप 6 को दो बारी मल्टीप्लाई भी करते 6 6
दो आपका 36 आता। ये क्या कह रहा है, ए बी की पावर एक्स है तो ए की पावर भी एक्स, बी की ए बी की पावर एक्स है ना, सेम है ना, तो हमने ए की पावर भी सेम ली है, बी की पावर भी सेम ली है। सेम अगर आपका होता, समझ लीजिए, अगर आपका होता फॉर एग्जाम्पल 8 का स्क्वायर, अगर आपका 8 का स्क्वायर होता तो 8 के फैक्टर्स क्या है, 4 है और 2 है, तो 4 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ही लिया ना मैंने क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या, तो 4 4 16, 2 2 4, ये आपका आंसर आ जाता है 64। अगर 8 को आप दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64। समझ लीजिए अगर आपको दिया होता, समझ लीजिए आपको दिया होता 12 की पावर 3, 12 की पावर अगर समझ लीजिए आपको दी होती 3, तो आप इसको कैसे करते, एक बारी वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आप इसको कैसे करते। सो 12 का जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो होता है 6 और 2, तो हमने 6 की पावर भी 3 ली और 2 की पावर भी 3 ली। अगर 6 को तीन बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 216, 2 को थ्री बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू 4, 4 टू 8, तो आपका आएगा 8, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1728। और अगर आप 12 का क्यूब करोगे, 12 को तीन बारी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा 1728। सो ये क्या समझाता है कि अगर ए बी की पावर एक्स है तो ए की पावर भी एक्स होगी, बी की पावर भी एक्स होगी, मतलब सेम पावर होगी, और ये जो होंगे इसके फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल, जिसमें आपको a अपॉन b की पावर x है, a की पावर x एंड b की पावर x। इसमें क्या दिया हुआ आपको, a अपॉन b की पावर x है और a की पावर x एंड b की पावर x, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इधर आपको उसने 7 अपॉन 3 की पावर 2 दे दी है, तो आपकी 7 की पावर भी 2 होगी और 3 की पावर भी 2 होगी। ये कहना चाह रहा है अगर यहाँ पे होता है 7 अपॉन 2 की पावर 3 और आप यहाँ पे लिखते 7 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो ये गलत हो जाता, ये गलत होता। क्यों होता है ये गलत, क्योंकि पावर आप सेम लेंगे, 7 की पावर 3 है तो 7 की पावर भी यहाँ पे 3 लेंगे, क्योंकि 7 अपॉन 2 की होल पावर इज 3, 7 अपॉन 2 की होल पावर इज 3, तो 7 की पावर 3 होगी, 2 की पावर 3 होगी, 7 की पावर 4 होगी नहीं, 7 की पावर 4 हो सकती है अगर 7 अपॉन 2 की होल पावर इन्होंने 4 दी होती, तो आप लिखते 7 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4। बट ऐसे नहीं कि यहाँ ऊपर नीचे कुछ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आप कोई और पावर लिखते, जो लिखी हुई है वही लिखेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो ये था आपका पावर ऑफ द फ्रैक्शन रूल। चलिए अब पढ़ते हैं जीरो एक्सपोनेंट के बारे में। ए की पावर 0 होगी तो आपका आंसर आएगा 1, मीन्स ए की पावर 0 होगी तो आपका आंसर आएगा 1। अगर 2 की पावर 0 है योर आंसर विल बी 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर आपका 1 होगा। 3 की पावर 0 है तो भी 1, 7 की पावर 0 है तो भी 1। ये कौन सा रूल है, जीरो एक्सपोनेंट का, कौन सा, जीरो एक्सपोनेंट का रूल है ये। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव एक्सपोनेंट। ए की पावर -6 है तो 1 अपॉन में ए की पावर x हो जाएगी। क्या कह रही है कि अगर ए की पावर -6 है तो ये हो जाएगी 1 अपॉन में ए की पावर इज x। ए की पावर -6 मतलब 4 की पावर अगर -3 आपको दी होती है तो ये हो जाएगी 1 अपॉन में 4 की पावर 3। अगर पावर नेगेटिव में है, पावर नेगेटिव में है तो वो डिनोमिनेटर में आपके आ जाएगी। समझ लीजिए यही आपकी पावर होती है 5 की पावर -2, तो ये क्या होगी 1 अपॉन में 5 की पावर 2। ये कौन सा रूल है आपका, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का रूल है आपका, कौन सा, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ये आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का रूल। नेक्स्ट इज योर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। ए की पावर, वैसे ये इतना यूज़ नहीं होगा बट स्टिल मैं आपको एक बार समझाने के लिए बताना चाहती हूँ ये रूल भी। तो ये रूल क्या है, ए की पावर अगर एक्स अपॉन वाई है तो अंडर रूट में हो जाएगी ए की पावर एक्स और वाई बाहर हो जाएगा। समझ लीजिए अगर आपकी पावर ए ये है, ए की पावर है एक्स अपॉन में वाई, तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी अंडर रूट में ए की पावर एक्स और बाहर हो जाएगी वाई। ये है आपका फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स का रूल कि अगर ए की पावर एक्स अपॉन में वाई है तो ये हो जाएगी अंडर रूट में ए की पावर एक्स एंड वाई। अब समझते हैं क्वेश्चन करके। अगर 2 की पावर है 4/5, 2 की पावर 4/5 है तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4 और ये बाहर हो जाएगा 5।
सिंपल रूल है, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट एक बार समझाने के लिए आपको समझाया है।